सो भाई लोग, आज हम आपको ओरिजिनल बोया माइक दिखाने वाले हैं। भाई लोग चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं आपके ओरिजिनल बोया माइक कौन सा होता है। ओके, उसका पहचान क्या है, मैं पांच उसका पहचान बताऊंगा जिससे आप ओरिजिनल बोया माइक पहचान सकते हो। और अगर आप बाय करना चाहते हो ओरिजिनल बोया माइक, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली ओरिजिनल बोया माइक बाय कर सकते हो। ओके, जिससे आप ओरिजिनल बोया माइक पहचान सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास बोया माइक है और ये इसका बॉक्स है और ये ओरिजिनल देख सकते हो बोया माइक है। यहाँ से अच्छा से मैं दिखा देता हूँ आपको, आ सकते हो बोया माइक ओरिजिनल, यहाँ पर मैं इसका दिखा देता हूँ लोगों वगैरह। तो इसका बोया जो माइक है ओरिजिनल, वहाँ से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद आपको बॉक्स के अंदर भी पहचान बताऊँगा, बॉक्स में क्या क्या पहचान होता है और बोया माइक के अंदर क्या क्या पहचान होता है। ओके, तो सबसे पहले बोया माइक जो आप ओपन करोगे उसके अंदर क्या क्या पहचान होता है, तो सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोया माइक अच्छा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और बोया जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर कोई भी लोगो वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा, इसके अदर वही जैसे आर वगैरह इसी सेम टू सेम इस तरह बोया लिखा हुआ रहेगा तो वो ओरिजिनल है। और एक पहचान यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बार कोड होगा, QR कोड होगा एक, जिससे आप पहचान सकते हैं क्योंकि ये बोया माइक ओरिजिनल है। ओके, और इसका जो प्रीमियम क्वालिटी जैसा लगेगा आपको जब आप निकालोगे, बस ये आपको देख लेना है, यहाँ पर बोया लिखा हुआ और ये बार कोड। ओके, ये इसका जो माइक का पहचान है ये है। अब देखो, चलो बताओ तो डब्बा के अंदर क्या क्या पहचान होता है। अब माइक तो दिखा दिया आप, चलो डब्बा के अंदर आप कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, बोया माइक के अंदर ये QR कोड एकदम आराम से होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। और इसके अंदर भी एक QR कोड होता है जिसके अंदर देख सकते हो एक QR कोड इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा बोया ओरिजिनल डब्बा में। ओके, जो ओरिजिनल वाला होगा इसका डब्बा का पहचान यही है, एक ये है। और यहाँ पर देखो, ये जो लिखा हुआ होगा बोया, जो छोटा छोटा लिखा हुआ होगा, ये क्लियर और एकदम क्लियर फॉन्ट में होगा, कोई धुंधला या मोटा फॉन्ट में नहीं होगा, एकदम क्लियर साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो कलर है एक, ओके, ये पहचान सकते हो। और यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर बोया लिखा हुआ है, ये बोया बस बोया लिखा रहना चाहिए, कोई अदर लेटर नहीं लिखा होना चाहिए, तब आप पहचान सकते हो ओरिजिनल बोया, ये डब्बा का पहचान है। ओके, अब चलो दिखाता हूँ इसका अंदर में क्या क्या पहचान होता है। और काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन इसका अंदर का पहचान ये टिकट होगा। देखो ई वाला जो है ना, ये ओरिजिनल पहचान देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का कलर सेम टू सेम कलर होना चाहिए, कोई दूसरा फीका कलर ऐसा कुछ रहा तो समझ जाइए वो फेक बोया माइक है। और जहाँ पर जैसे बोया यहाँ पर सेम लिखा, सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए, तब आप समझ सकते हो कि ये ओरिजिनल बोया माइक है। अगर आपको कोई भी गड़बड़ लगता है तो आप तुरंत रिटर्न कर दो, आपको शक होता है कि कुछ इस प्रकार से नहीं है तो आप रिटर्न कर देना, क्योंकि बहुत सारे आजकल बोया माइक फेक आते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि बोया माइक आप ओरिजिनल कैसे पहचान सकते हो। अगर आपको कोई भी मन में अभी भी ख्याल आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द ही आपको दूंगा। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बोया माइक से रिलेटेड और भी वीडियोज़ जानने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।